नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, बहुत ज़्यादा जरूरी वीडियो होने वाली है। और आपसे एक गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों खबर को शुरू करते हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की शिक्षा बोर्ड की जो बैठक हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम फैसले लिए गए हैं जो भी कॉलेज हैं और स्कूल हैं उनकी परीक्षाओं को करवाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो 12वीं कक्षा है उसका भूगोल का पेपर जो है तो लॉकडाउन के बाद होगा ही होगा। जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद भूगोल का पेपर होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही अब हमारे पास बचे ऑप्शनल और वोकेशनल सब्जेक्ट जो 12वीं कक्षा के हैं, तो वो विद्यार्थी भी जान ले कि उनका पेपर होगा या नहीं होगा। दोस्तों उनके लिए भी बैठक में जो है तो फैसला लिया गया कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या वोकेशनल सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, हेल्थ का हो गया या जो भी रहते हैं, उनकी जो चर्चा होगी वो बाद में ही ली जाएगी, ठीक है दोस्तों। उसकी जो फैसला होगा वो बाद में ही लिया जाएगा। वहीं बात करते हैं डिग्री कॉलेजेस की, ठीक है दोस्तों। डिग्री कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं की बात करते हैं जो कब होती थी, अभी मई में ही होते, अप्रैल में होती थी दोस्तों, ठीक है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जो ये जो डिग्री कॉलेज की परीक्षाएँ हैं वो होनी शुरू हो जाती थी, परंतु इस बार जो कॉलेज की परीक्षाएँ हैं वो लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाई। तो दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये कब होंगी, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए भी HPU जो है तो अब शेड्यूल तैयार करेगा, ठीक है दोस्तों, नया शेड्यूल तैयार करेगा। और इसमें जो है तो अब आपके जैसे एक पेपर के लिए काफी ज्यादा दिन जो आपको छुट्टी मिलती थी बीच में, अब उस तरह का गैप आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि लगातार ही आपके पेपर हों, उस तरह से नया शेड्यूल जो है तो HPU तैयार करेगी। तो दोस्तों अभी से तैयारी रखें, जैसे इसके लिए डेटशीट आएगी तो काफ़ी ज़्यादा जो उसमें रहेगा वो गैप नहीं दिया जाएगा। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर यह है कि इस बार सिलेबस घटाया जा सकता है और वहीं जो शैक्षणिक दिवस हैं उसको बढ़ाने पर भी फैसला लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। सिलेबस घटाने या शैक्षणिक दिवस बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों जो सेशन रहता है हमारा उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है यार, या तो सिलेबस घटाया जाएगा या फिर शैक्षणिक दिवस बढ़ाया जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसमें से एक काम किया जाएगा, देखते हैं कि सरकार जो है क्या फैसला लेती है, शिक्षा बोर्ड क्या फैसला लेती है। भाई 10वीं और जमा 2 की जो भी उत्तर पुस्तिकाएँ हैं वो जाँचने की प्रक्रिया जो है तो अब शुरू हो गई, आपको पता ही है जल्द।